हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो है दिवाली शॉपिंग हॉल लेकर आई हूं। तो जो मैंने अब तक शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें धनतेरस जो है वो सामान नहीं है, क्योंकि वो मुझे लेने जाना है। घर का थोड़ा सा काम बढ़ गया, लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा और समय मेरा निकल गया। प्राण प्रतिष्ठा की वजह बहुत नियमित तौर से निकलना होता है। तो कुछ मैंने मोस्टली चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये एक डाइनिंग सेट मंगाया है मैंने डाइनिंग टेबल के लिए, तो मैं आपको दिखाऊं। ये इनफैक्ट ये जो कलर है ना, वो फेस्टिवल के हिसाब से भी ठीक है। और मुझे थोड़ा सा प्लेन भी चाहिए था, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल है वो ऑलरेडी मार्बल की है, तो उसमें थोड़ा सा इसी टाइप का चाहिए था। मैं आपको इसमें एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप इसमें अगर इस टाइप का ले रहे हैं, थोड़ा सा और फेस्टिवल लुक ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी पॉम्पम वाली लेस ऐड कर सकते हैं। बहुत कलरफुल हो जाएगा, वेरी रिच लुक आएगा। आप चाहें तो इसमें अनदर कोई भी थोड़ी सी ब्रॉड जो है लेस जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये तो छः जो हैं वो इस टाइप से आप देख रहे हैं, जो हम लोग फ्रंट पर रखते हैं, जहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं, उसके लिए ये 6 हैं। क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल 6 सीटर है। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 ही लोग हैं, तो 2 हैं तो हम क्या करें, जो जो है बड़ा तो है, घर में गेस्ट आते रहते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, ठीक है। तो इसमें आप लेस ऐड करके इसे थोड़ा सा फेस्टिवल लुक और दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मशीन वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश करते हैं। कलर इनका बहुत ही प्यारा है, जबकि लाइट कम जल रही है। थोड़ा सा उठ के लाइट जला दें। तो ये मैंने एक मंगवाया, तो ये तो 6 वो हो गए। और ये हो गया है एक रनर, जो हम टेबल पर डालेंगे, ठीक है। तो एक ये कंप्लीट रनर है, ये 6 सीटर के हिसाब से भी है, 4 सीटर के हिसाब से भी हैं। तो ये अलग अलग उसमें हैं, तो आप अपने हिसाब से। इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट मुझे इसका ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी ने ख़रीदा है तो उस पर फ़ोटो पड़ी थी, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा सोबर है, तो डेली उसके लिए कुछ नहीं था। जितने हैं वो सब फेस्टिवल लाइक, जैसे कि नहीं दिवाली वाली और ये सब चीज़ें, मैं जैसे आप लोग जानते हैं चैनल पर, साल में एक की बार ही खरीदती हूँ, मतलब दीपावली पर ही खरीदती हूँ। तो रोज रोज तो मैं इन सब की शॉपिंग करती भी नहीं हूँ। तो एक सेट मैंने ये मंगाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो है ड्राइंग रूम के लिए मैंने क्या मंगाया। और इसमें इतना बड़ा लोचा हो गया ना, मेरा इतना मूड अपसेट है कल से, इतना मेरा दिमाग ख़राब है, आपको बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट मैं कल से ना किसी कमेंट की रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जैसे कि मेरा जो ड्राइंग रूम थोड़ा सा बड़ा है, उसमें डबल सोफे लगे हुए हैं, कहने का मतलब 10 सोफे लगे। उसकी फ़ोटो एक बार मैंने जो है किसी ने मांगी थी, मैंने दे दी थी, शायद पायल दीदी को भेजी थी मैंने। वो कहती है श्रेया मीटिंग रूम लग रहा है, इतने सारे सोफे पड़े हुए हैं उसमें। हाँ जी, उसमें सोफे भी पड़े हुए हैं, उसमें दीवान सेट भी डाल दिया है मैंने, तो वो बड़ी जगह है। तो उसमें 2 टेबल लगी हुई हैं, इसलिए मैंने ये 2 रनर मंगवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, इसकी बेस्ट क्वालिटी के आप इसे दोनों तरफ से बिछा सकते हैं। तो फेस्टिवल में आप यहाँ से बिछा लीजिए, विदाउट फेस्टिवल आप यहाँ से बिछा दीजिए। तो कुछ कलरफुल अगर आपको आइटम रखना हो, तो ये कुछ इस टाइप की शेप में है। मैं थोड़ा सा ना कैमरा ऊपर करके दिखाऊं तो आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आएंगी। ये देखें, तो 1 सेकेंड फ्रेंड्स, मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। तो ये इस टाइप का जो है बहुत सुंदर रनर है ये। और चूंकि डबल टेबल है, तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। ऑरेंज एंड पिंक बहुत अच्छा कलर लगता है आपस में। मुझे पिंक उतना अच्छा नहीं लगता, बट डेकोरेशन में थोड़ा सा होता है ना, फेस्टिव जो फील आ जाती है, तो उस टाइप का है, बहुत सुंदर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें पलट के भी बिछा सकते हैं। सो ये मैंने 2 मंगवाए कॉफ़ी टेबल के लिए। मैं कॉफ़ी टेबल बोलती हूँ, आप लोग सेंटर टेबल या जो भी बोलते हो। ये 2 रनर मैंने उसके लिए मंगवाए। अब लोचा क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, जो लोचा हो गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि देखिए उसमें क्या नाटक हुआ। वो जो सेलर था वो इतना चंटू टाइप का व्यक्ति था, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मैंने मंगवाए थे कुशन कवर, ये मैंने 4 सेट मंगवाए थे। ये 5 जो हैं मैंने मंगवाए थे गेस्ट रूम के लिए, 5 कुशन मंगवाए थे मैंने अपने ऊपर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पर जिस फ्लोर में, वहाँ पे भी कुछ सोफे लगे हुए हैं, तो वहाँ के लिए मैंने ये 10 मंगवाए थे। और ये 10 मैंने ड्राइंग रूम के लिए मंगवाए थे, क्योंकि जो रनर हैं मुझे लगा इसी के मैचिंग से आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखें, ये सेट था 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये मैंने मंगवाए थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरा फ़ोन कहाँ गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ लोचा क्या हुआ। आप लोग कहेंगे मतलब
तो मतलब फेस्टिवल के समय कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने कल कॉल किया, उन्होंने बहुत डांटा मेरा, मैं तो मेरा ना एकदम आपा खो बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। तो किस किस के साथ ऐसा हुआ, अगर किसी के साथ इस समय ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइए। होता है उसने पूरी डेकोरेशन का ना मेरा माइंड ही चेंज कर दिया। मैं सारे ये दोनों, क्योंकि नीचे 10 कुशन हैं, डबल सोफे हैं, तो ये मुझे सारे नीचे छोड़ने पड़ेंगे, ऊपर के लिए कुछ नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये आप देखें, मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, होप कि आपको दिख रहा हो। देखो ये दो मैंने मंगाए थे, डिलीवर्ड हो गए, ये आप देख रहे होंगे। तो ये 4 सेट हैं, 1 2 ये 3, और ये मैंने दो दो पेयर मंगवाए थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये देखें आप, यहाँ मैंने रिटर्न में भी इसे लगाया, उसने क्या किया, पैसे 4 के लिए मुझसे, लेकिन उसने मुझे भेजे 2 ही सेट हैं। फिर जब मैंने कल कंप्लेंट की तो आप ये देखिए, फिर जो है उसने दोबारा से भेजा। तो मेरी दुकान वाले से बात, उनसे कस्टमर केयर पे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैडम हम परेशान में, तो आपको पैसे नहीं देने होंगे, ये आपको रिसीव हो जाएंगे। तो एक ये लोटस पैटर्न पर जो आप देख रहे हैं, ये अब ये दोबारा से आएगा। और क्या नहीं आ पाया, ये बेड रनर नहीं आ पाया, ये देखिए अरबिक फ्राइडे लिखा हुआ है बट ये अभी आया नहीं है। तो ये जैसे ही आएगा, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। ये वाले दो दिए भी नहीं आए हैं, ये मैंने टेबल लैम्प मंगवाए थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये भी नहीं आए हैं। वो चटनी वाला स्टैंड मंगवा लें बिटिया, रहने दें, आ जाएगी। तो ये भी पता भी नहीं आए हैं। तो ये दो लैंप जो है वो दिए, जो मैंने टेबल दिए मंगवाए, ये दीपावली तक आ जाएंगे। तो जैसे ही धनतेरस पर मुझे रिसीव होंगे ना, तो मैं आपको साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे हैं क्वालिटी वाइज। तो ये जो 5 का सेट है, रहने दीजिए उसको, मत जगाइए फिर। तो ये देखिए, एक ये एक सेट है, ये बहुत ही प्यारे से कलर हैं, इसमें आपको एकदम फेस्टिवल वाला लुक आएगा। इनका कलर वाइब बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे बहुत ही वाइब्रेंट कलर हैं और बहुत ही ब्राइट कलर हैं, तो दीपावली के लिए तो परफेक्ट है। अगर आप अपने रूम को थोड़ा सा अलग टच देना चाह रहे, मैं थोड़ा सा अलग टच देना चाह रही थी, तो ये कलर भी सारे अच्छे हैं, लोटस पैटर्न पर हैं ये। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सिग्नल दे रही हैं, तो उसी टाइप का मैंने कुछ मंगवाया था। लग बहुत सुंदर रहे हैं ये, ऐसा नहीं है। और इसमें हर प्रकार का साइज़ अवेलेबल है, ये 16x16 है, तो हर टाइप के साइज़ अवेलेबल हैं। अभी ये 10 और आएंगे, जब मुझे रिसीव होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। कैसे लगे आपको रनर ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट्स। तो इनफैक्ट बेडशीट देख के आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आपको मेरे पास ज़्यादातर ऐसी ही बेडशीट मिलेंगी। ये मैंने एक प्रीमियम बेडशीट मंगवाई है, जो कि कॉटन की है, बहुत ही बढ़िया बेडशीट होती हैं। अगर एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पा रही, मेरा मौका नहीं लग रहा है, नहीं तो इस टाइप के मिक्स एंड मैच करके आप डबल बेडशीट बेड पर बिछाइए, बहुत ही बढ़िया लुक आता है। मतलब एक फुल बिछा दीजिए, हाफ एंड हाफ करके बिछाइए, मैं बिछा के दिखाऊंगी आपको। तो ये इसमें भी क्लोचा हो गया, मैंने ये मंगाई ग्रीन थी लेकिन ये मुझे रिसीव ग्रे हो गई है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसके मोस्टली सारे कलर हो गए हैं, कुछ कलर नहीं थे, ये कलर जैसे कि नहीं था। तो ये मैंने मंगवाया ग्रीन कलर था, बट ये स्लेटी टाइप का ग्रे कलर आ गया। कोई बात नहीं, इसको मैं फिर देखूंगी, इसे बिछा लूँगी। तो कुछ कलर मुझे डबल में चाहिए थे, तो एक मैंने ब्लैक रीपरचेज किया है। इसका ब्लैक आपने पिछले साल देखा होगा, इसको मैंने दोबारा से मंगाया है। और ब्लैक बेडशीट और रेड कलर का जो है रनर लगा कर विद कुशन कवर, मैंने अपने बेड का जो है वो लुक शेयर किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने नहीं वॉच किया, देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा था, क्योंकि ब्लैक कलर की बेडशीट पर मरून कलर का जो रनर था ना कुशन कवर के साथ, बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इनको कैसे मिक्स एंड मैच करके दो बेडशीट को बिछाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लुक आता है, मैं कोई लुक शेयर कर दूंगी। और प्लेन बेडशीट से क्या है ना, आपको एक बढ़िया रॉयल वाक टाइप का लुक मिल जाता है आपके बेड पर। तो मैं बहुत प्रिंटेड बेडशीट को तो अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं यूज़ कर पाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, सीरियसली मुझे नहीं अच्छी लगती। उसके बाद 2 सिंगल बेडशीट कॉटन की, ये मैंने 2 सिंगल मंगवाई हैं, इनमें उनमें भी कुशन कवर थे, वो पिलो कवर थे, इनमें भी आप देखिए पिलो कवर हैं। इनफैक्ट इसमें डबल पिलो कवर है क्या, शाह में भी सिंगल है। तो ये मैंने ब्लू कलर में मंगवाई है, बट पता नहीं कि थोड़ा सा ना लाइट ब्लू आ रही है, थोड़ा सा डार्क ब्लू, बहुत ही बढ़िया है ये। तो ये मैंने 2 सिंगल बेड की मंगवाई। इसको मैं प्लेन क्यों मंगवाती हूँ, क्योंकि क्या करती हूँ, कुशन तो खैर पिलो कवर तो यूज़ हो जाते हैं, इन्हें आप दीवान पर सिंगल बिछाइए, मिक्स एंड मैच करके कुशन कवर लगाइए, आपके दीवान का लुक इतना बढ़िया आता है कि आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये मैंने 2 मंगवाए, 2 सिंगल में ना और मंगवाई हैं, वो मैं आपको दिखा रही। और ये जो अब तक मैंने आपको सामान दिखाया, ये सब कुछ मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। ये देखें,
कितना प्यारा पैरेट ग्रीन कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन कवर अभी दिखाया ना, ये वाली बेडशीट अगर दीवान पे लगा दी जाए और बीच में एक रनर डाल दिया जाए, ऑरेंज वाला नहीं पिंक वाला रनर डाल के और कुशन कवर लगाया जाए, तो बहुत ही बढ़िया दीवान का लुक आता है। इनमें भी कुशन कवर, वो पिलो कवर हैं, तो सिंगल नहीं है, इनमें भी पिलो कवर आए हुए हैं। तो आप देखें इसके पिलो कवर का साइज़ बहुत बड़ा है, बिग साइज़ की। इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत सस्ती थी, शायद 300 की या 250 की, मे बी 300 या 250 के अंदर है, मैं मेंशन कर दूंगी। इनफैक्ट इस समय रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं मुझे लग रहा है, मैंने इन्हें जब वो ऑर्डर किया था ये मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ, ये मैंने इसे 20 दिन पहले ऑर्डर किया था, अब जाके रिसीव हुए, तो ये भी मैंने दो मंगवाई हैं। अब मैं आपको एक बात श्योरिटी से कहती हूँ, अगर आपने कभी प्लेन बेडशीट नहीं लगाई है तो आप लगा के देखिएगा। एक तो रूम इतना बड़ा लगता है आपका, इतना बड़ा रूम लगने लगता है देख के दिया रखा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और लुक बहुत खूबसूरत आता है। सो एक मैंने ये मंगवाई, ग्रीन वाली दिखा दें, नीचे ग्रीन रखिए। एक डबल बेड की बेडशीट और मंगवाई है क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट रूम भी है, तो उस हिसाब से एक मैंने ये ग्रीन कलर में मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। प्लेन में मोस्टली मेरे पास सभी कलर हैं, अगर आप कभी इस टाइप की प्लेन बेडशीट का कलेक्शन देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। डार्क से लेकर लाइट तक सारे कलर हैं, ये कलर नहीं था तो मैंने एक ये कलर ऑर्डर किया था, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक मैंने ये मंगाया, उसके बाद मैंने मंगवाई है वॉच, तो ये वॉच मुझे बहुत 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 पसंद आई है। इनफैक्ट ये प्राइस वाइज बहुत सही चीज़ है और मैं इसे खोल के देख चुकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ बन सके। तो ये मैंने दो वॉच मंगवाई हैं, आप लोग सोचेंगे कि दीदी थोड़ा सा सोबर कलर पसंद करती हूँ, हाँ जी तो ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के काम करती हूँ। ये इतनी प्यारी है कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है इसका, अगर आपको ये फ़ोन में बड़ी लग रही तो ये इतनी बड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा है। आप जो है स्टडी रूम में, गेस्ट रूम में इसे कहीं लगा सकते हैं, इनफैक्ट मैंने इसे अपने बेडरूम के लिए मंगाया है, तो ये वाइट कलर का लुक जो है ना बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये 220 रुपए की वॉच है, ये GST के साथ मुझे शायद 250 की पड़ी है, बट वो सिंगल डिलीवरी नहीं कर रहे तो मुझे डबल मंगानी पड़ गई, तो ये मैंने दो मंगवाई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए प्राइस वाइज इससे ज़्यादा कुछ जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो ये है, और मेरी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, इतनी ही थी। पीछे प्लास्टिक का ना लगा के ना कुछ गत्ती टाइप की लगी हुई है मशीन के ऊपर, तो ठीक है 150 रुपये में 220 रुपये में आप क्या लेंगे, क्या ही मिलता आज के ज़माने में 200 रुपये में, तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत सही लग रही। चलिए दी क्या ये हिली था, कुछ तो था इसमें, तो ये मुझे बहुत सही वॉच लग रही है। अगर आपने नहीं ली है तो आप इस टाइप की वॉच ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत 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 सही चीज़ है। उसके बाद मैंने मंगवाई एक बहुत ही काम की चीज़, क्या वो दिखाएं ज़रा, हाँ ये, क्योंकि विंटर आ रहे हैं दिल्ली में, जिस तरीके से कोरोना दोबारा लौट के आया मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैंने मंगवाया है एक जो है वो डिसइंफेक्शन, और ये यूबी जो है वो डिसइंफेक्शन बॉक्स है, और ये ना एक तरीके से स्टेनलाइज़र भी है। अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहेंगे तो बताइएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। इनमें आप अपने मेकअप ब्रश, मोबाइल, कैश, ज्वेलरी और छोटा मोटा जो भी सामान है उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम हमेशा लिक्विड वाले का यूज़ नहीं कर पाते, तो इस टाइप का है, बहुत सही चीज़ है। अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसका अलग से एक रिव्यू शूट कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटी, इसमें एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। सो ये इनफैक्ट एक अरोमा उसकी तरह भी काम करेगा। तो एक मैंने ये मंगवाया, तो ये भी बहुत सही चीज़ मुझे लगी। अब चूँकि हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो पैसे वगैरह, मोबाइल वगैरह सब जो है अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। और मैंने क्या मंगाया, ये मैंने सब अमेज़न से, अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना वो सब ऑनलाइन आया हुआ है। ये मैंने मंगाए दो चटनी के बाउल, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, और इनफैक्ट इसे ना बहुत सारे लोगों ने मंगवाया है, तो ये इस तरीके से हैं। गुड फूड इस गुड मूड, सही बात है, अगर आपका खाने अच्छा है तो आपका मन मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये इस टाइप का है। इसमें ये जो बाउल लगी हुई है ये
अच्छी क्वालिटी के, ऐसा नहीं है कि बहुत चीप क्वालिटी के, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने अनुसार इसे दुकान पे ले जाकर बर्तन वाली शॉप पे कोई दूसरी कटोरी भी भविष्य में लगवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगी, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। उसमें आप दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इसे पेंट भी कर सकते हैं खुद से, तो आप इसे पेंट करके एक अलग से लुक दे सकते हैं। होता क्या है, जब आपके पास इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, गेस्ट आते हैं तो आप इस टाइप की चीज़ें सर्व करते तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मंगवाई थी। और ये शायद 500 में दोनों आई हैं, मैं लिंक दे दूँगी तो आप चेक कर लीजिएगा। ये मुझे बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, तो अच्छे लग रहे थे। हमारी बिटिया रानी गा रही थी, अब हम कुर्सी में बैठ के खाएंगे। तो ये बहुत सुंदर लग रही है, आपको कैसी लग रही है? क्वालिटी वाइज ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत चीप सी क्वालिटी पे बनाया हुआ है, प्लाई वुड का है ये, लेकिन ये है बहुत सही चीज़, अच्छी लग रही थी मुझे। तो चटनी के लिए ये इस टाइप का नहीं कि आप चटनी डाल के रख दें क्योंकि ढक नहीं सकता, तो आप इसे सर्व करने में यूज़ कर सकते हैं। या कभी ऐसा होता है कि आप घर पे बहुत छोटी मोटी सी पार्टी दे रहे हैं जिसमें आपने होता ना, हम लोग खाना लगा के रख देते हैं छोटा मोटा सा, जैसे 5-6-7-8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो छोटा सा बफर टेबल एक हम लोग घर में ही लगा देते हैं, तो लोग खुद से सर्व कर लेते हैं, तो उस टाइप की चीज़ के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने एक ऑनलाइन चीज़ और मंगाई है, ये देखिए। इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, इनफैक्ट घर मुझे अपना, अगर मुझसे कोई अपने घर को डेकोरेट करने की बात करेगा या किसी और के भी कहेगा, तो मैं एंटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उससे आपको इंडियन लुक मिलता है, ठीक है, दूसरा क्या, आपको फेस्टिव लुक मिल जाता है। ये सब चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती, हमेशा फैशन में रहती हैं। और प्लास्टिक जैसी चीज़ों में यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए जिन्हें आप लाइफ टाइम एवरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी समझ नहीं सकते कि ये कितने प्रकार से यूज़ हो सकती है। जो मेटल के हैंगिंग आते हैं ना, आप इस तरीके से अपने घर में अगर कोई पिलर वगैरह है तो उसे यहाँ पर हैंग कर दीजिए। ये इनफैक्ट इस टाइप का, इसमें आप लाइट वाला दिया भी रख सकते हैं, आप इसमें धूप बत्ती भी रख सकते हैं, आप इसमें जो है फेरी लाइट डाल सकते हैं, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें डाल के आप इसमें जो है वो रख सकते हैं। और जलने पर इसमें बहुत ही बढ़िया सा एक रिफ्लेक्ट निकलता है, जो यहाँ से तो अच्छा लगता ही है, इसका रिफ्लेक्ट वॉल पर पड़ता है तो वो ज़्यादा अच्छा। मैं आपको इसको ना यूज़ करके दिखाऊंगी। और दूसरा पता है क्या यूज़ कर सकते हैं आप इसका, बहुत ही बढ़िया फूलों वाली रंगोली बनाइए आप और उसके बीचों बीच इसे रख दीजिए। मैं आपको ऐसी आइडिया दे रही हूँ जो मैंने दिमाग में चीज़ें सोची, तो मैं उसी से आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप एक बढ़िया फूलों वाली रंगोली बनाइए, बीच में इसे रख दीजिए और इसमें क्या धूप बत्ती और दिया साथ में रख दीजिए, बहुत बढ़िया लुक आएगा। आप इसे एज ए एंटीक पीस जो है वो टीवी यूनिट के बगल में रख सकते हैं, सेंटर टेबल पर रख सकते हैं और कॉफ़ी टेबल पर रख सकते हैं, बहुत यूज़ है इसके। तो ये शायद 800 का समय था। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये बहुत बढ़िया पैकिंग में आई थी, इसकी पैकिंग इतनी अच्छी थी कि आज तक मैंने ऑनलाइन इतनी अच्छी पैकिंग नहीं देखी है। तो बहुत बढ़िया नेट के कपड़े से बंद था और इसके साथ एक धूप बत्ती भी फ्री आई थी, तो वो पता नहीं कहाँ रख दी। तो ये मैंने एक मंगाया जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सही चीज़ है ये। तो ये इस टाइप का मेटल का है और ये मैंने मंगाया था अमेजोन से। कुशन दिखा दें, कुछ मेरे कुशन ख़राब हो गए थे तो मैं 5 कुशन लेके आई, और ये कुशन लेने गई थी मैं बिग बाज़ार में, सो बिग बाज़ार में ये मुझे मिले नहीं, मैं इन पर कवर चढ़ाऊँगी। अच्छी चीज़ क्या है ना, ये वाइट नहीं है, तो जो वाइट वाले हैं ना उन पर बहुत ही गंदे से जो है दाग आ जाते हैं, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने 5 जो है वो विशाल से लिए हैं और ये मुझे 99 का पड़ा है, 99 रुपये का एक पड़ा हुआ, तो 500 में 5 आ गया, जो कि मुझे बहुत सही लगा। क्वालिटी वाइज ये ठीक है। कुशन वैसे भी देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ तो होने, मैं एज ए डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ इन्हें, ज़्यादा यूज़ तो वैसे इनका कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये आए हैं 99 के, 99 रुपये का एक है। तो ये मैंने 5 मंगवाए थे क्योंकि मेरे ना पीछे वाले रूम के कुशन जो हैं वो गड़बड़ हो गए थे, 2 कुशन मैंने जो है वो और लिए। बेटा ये कुशन उठा दोगी? तो 2 कुशन मैंने और लिए जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि मैं एक तरफ बैठी हुई हूँ और समय लग गया थोड़ा सा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैली पड़ी हुई हैं। तो ये 2 कुशन मैं लाई थी, चूँकि ब्लैक मेरा फेवरेट है और ये मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था रेड कुशन के साथ। किसी भी कुशन के साथ आप इसे ऐड कर लीजिए, ये बहुत सुंदर लगता है। चूँकि मैं प्लेन बेडशीट का यूज़ करती हूँ तो इस टाइप के कुशन जो है बहुत अच्छे लगते हैं। इन पर मिरर वर्क है, हल्का सा थ्रेड वर्क है, बहुत बढ़िया इनका लुक आता है। तो 2 कुशन मैंने ये लिए थे और ये 99 के नहीं हैं, ये भी मैंने विशाल से ख़रीदे हैं। ये हैं
169 का एक है, आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए 169 का एक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ठीक है, इस टाइप के आपको विशाल में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लोकल शॉप पे भी 200 150 से कम का आता ही नहीं है। तो दो जो हैं वो ये हैं। उर्ली दिखाने वाली, एक मैंने उर्ली ख़रीदी है, ठीक है, और ये उर्ली मैंने ऑनलाइन देखी है, ये ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने इसे लोकल स्टोर से ख़रीदा है अमीनाबाद से, तो आप चाहें तो इसे लोकल शॉप से ख़रीदिएगा, ये ऑनलाइन बहुत महंगी है। ऑनलाइन शायद ये 600 की, मे बी 700 की थी। ये देखें मेटल की है, चूँकि मैंने आपसे ऐसे कहा कि मैं घर की डेकोरेशन थोड़ा सा एंटिक चीज़ों से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उर्ली का मुझे बेहद शौक है। इस पर 450 पड़ा हुआ है, लेकिन ये 300 की आई है, इस तरीके के रोज़ पैटर्न पर है ये, और मेटल की है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। कैसी लग रही है? आप इसको ऐसे इसमें भी रख सकते हैं, देखिए एक नई चीज़ आविष्कार कर दिया कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो एंटिक चीज़ों से घर बहुत अच्छे से सज जाता है, जैसे आप अपने घर को सजाना चाहें वैसे सजा सकते हैं। तो एक मैंने ये लिया, ठीक है, एक ख़रीदा है मैंने दिया। अब वो दिया ख़रीदने का रीज़न क्या है मैं आपको बताऊं, ये एक दिया मेरे पास ऑलरेडी ही बहुत बड़ा दिया है, तो ये पता नहीं क्यों क्या था मुझे नहीं याद है, तो ये हस्बैंड एक दिया लेकर आए थे, ठीक है, फिर ये सिंगल पड़ा हुआ था, ठीक है, आवाराओं की तरह, तो मैंने कहा क्यों ना इसको जोड़ी बना दी जाए। तो मैं एक नया दीपक खरीद के लाई हूँ, जो कि सेम है, बिल्कुल अंतर नहीं है, एक ही साइज़ के हैं, सब एक जैसा है, बस थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन, ये चौड़ा है, ये थोड़ा पतला है, इतना अंतर है। तो ये एक मैं नया लेके आई, और ये एक सिंगल दिया, और 1000 का आया, आप यकीन नहीं करेंगे, 1000 का एक दिया आया है ये। तो ये एक मैं दिया लाई, धनतेरस पर मैं इसकी भी पूजा करूँगी, बकाए के दो टेबल लैंप मेरे आ रहे हैं, तो उनकी पूजा करूँगी, ये जग दिखा दें। और सिल्वर में मैंने धनतेरस पूजा के लिए क्या ख़रीदा वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सिक्के विक्के के चक्कर में बहुत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे घर में इतने सिक्के हो गए चांदी के, इतने सिक्के हो गए कि मैं उससे बोर हो गई, तो मैंने उनको कहा कि हम वो लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे बर्तन। तो एक मैं ये जग लाई हूँ सिल्वर का, तो चांदी के रेट तो बहुत हाई हैं, तो ऐसे बताऊंगी तो सर को कुछ लोग कहेंगे देखिए सो ऑफ कर रही हैं, कुछ कहेंगे देखिए ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं, तो मैं वो रेट नहीं बताना चाहूँगी। ये ना कितने ग्राम का था ये मैं भूल गई, ये 200 के अंदर ऊपर था ना, ये 200 के ऊपर था, और ये मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूँ कि ये मुझे जो है वो 20 के अब पड़ा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कम आता है इनमें, कम वेट का ले सकते हैं, ये वेट अच्छा है। एक चीज़ आपको मैं अपने से एक एडवाइस देना चाहूँगी कि चांदी के बर्तन हो या गोल्ड के, बहुत सारा रंगे चुके ख़रीदेंगे तो उनकी रिटर्न वैल्यू नहीं होती और साफ सफाई में दिक्कत होती है। इसमें आधा लीटर से ज़्यादा पानी आ जाता है, मैंने नाप के देखा था, मैं घर लाई थी, मैंने पानी भर के देखा था इसमें, तो आ जाता है, और सिंपल है तो सफाई हो जाएगी, इसकी सफाई बहुत आसान है, क्योंकि इसी के मैचिंग के मेरे पास लोटा भी है चांदी का, तो इसलिए मैंने ये जग खरीदा। धनतेरस पे मैं इस जगह की पूजा करूंगी, और इन्वेस्टमेंट ठीक होता है, रिटर्न वैल्यू होती है इसकी, और बर्तन होते हैं कभी कभी जैसे चंद्र दोष आपको लग जाते हैं, उस समय चांदी के बर्तन में भर के पानी पिया जाता है, तो ये उस तरीके से भी यूज़ हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें थी इसको लेने के पीछे। उसके बाद मैं आपको कैंडल दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर दो कैंडल लेकर आई हूँ। ये तो मैं लाई हूँ, ये दो मैं लाई हूँ ये दो कैंडल जो कि लग रही है मुझे बहुत अच्छी, हल्का सा ना मुझे जुकाम हो गया, तो ये शायद 70 की दी थी ना, ये 70 रुपए की दो दी थी, पता है एक बहुत बड़ी कैंडल थी, वो कैंडल 4 फिट के करीब थी, 500 की, मेरा बड़ा मन कर रहा था उस कैंडल को लेने का, और देखिए अभी भी मेरा मन ना उस कैंडल में उलझा हुआ है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं धनतेरस पर ले आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वो ना। इनफैक्ट मैंने इतनी बड़ी कैंडल अपनी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम देखी है, उससे छोटी छोटी देखी थी, और 1 kg के करीब मैं ये मोमबत्तियाँ लेकर आई हूँ, ये बहुत सही होती हैं और देर तक जलती हैं ये, तो जैसे कि रात में हम लोग पूजा वूजा करने के बाद जब सोने के लिए चले जाते हैं ना, तो उस समय मैं एक एक दो दो जला देती हूँ, तो पूरी रात जलती रहती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं वो कैंडल लेकर आऊँगी और दिवाली की रात में उसको जला के सो जाऊंगी, तो वो अपना जलती रहेगी पूरी रात, लक्ष्मी माता को आना हुआ तो आएंगी, देखेंगे कैंडल, देख के खुश हो जाएंगे, तो मैं वो वाली ज़रूर लेके आऊँगी, अब पक्का लाऊंगी मैं, वैसे भले मेरा मन नहीं था अब लाऊंगी। कुछ मैंने लिए हैं ये कैंडल होल्डर्स, वेरी ब्यूटीफुल, और ये आपके घर को, तो जैसे मैंने आपसे कहा इसका एक लुक आपने इंस्टाग्राम पर और देखा होगा, ये थे मेरे पास, मैं फिर लेकर आई, और ये ना ऑनलाइन बहुत 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 एक्सपेंसिव हैं, आप लोकल स्टोर से लीजिएगा बहुत सही मिलेंगे, अगर कोई अमीना लखनऊ से लेना चाह रहा है तो ये आपको गड़बड़ झाला में पीला गुड़िया वाला, लाला गुड़िया वाला जो है ना उसके यहाँ से आपको ये 20 या 30 में 1 pair है ये,
हाँ ये 30 रुपये का एक पेयर है, तो ये दो हैं इस तरीके से कैंडल लगा लीजिए। मैंने बहुत ही ब्राइट कलर ख़रीदे हैं, तो ये देखें येलो है, ये रेड है, और ये जो है वो ग्रीन है, और ये है फ्रोजी। तो मैंने 4 ही पेयर ख़रीदे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं एक दो, तो मैं इसीलिए 4 लेकर आई। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आप इनमें कैंडल जला सकते हैं, कैंडल जलाने का मन नहीं है तो आप क्या करें, इनमें फूलों की पत्तियां भर के और इन्हें रख दीजिए एज ए डेकोरेट पीस। बहुत अच्छा काम करते हैं, तो पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो मैं ये लेकर आई, और क्या लेकर आई मैं, अब और ख़त्म हो गया सब, और मैं कुछ नहीं लेकर आई। मैं आपको कुछ और दिखाने वाली थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्या दिखाने वाली थी आपको, तो नहीं मुझे याद आ रहा, तो छोड़िए, नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये सामान मैंने इतना जो है वो दीपावली पर ख़रीदा शॉपिंग, बकाया कि ये थोड़ा सा पूजन का सामान है जिसमें मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेकर आई चढ़ाने के लिए। मेरे लिए नहीं है ये, चढ़ाने के लिए लाई हूँ मैं ये चूड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं मन की आँखें। ये लगती हैं मुझे बहुत क्यूट, बहुत अच्छी, डेली यूज़ में बड़ा मज़ा आता है इनको पहनने में, क्योंकि ये आपको एक अच्छा लुक देते हैं। देखिए जैसे मैं हमेशा एक एक डाले रहती हूँ हाथ में, तो ये पैरेट ग्रीन जो कि हमारे ससुराल की तरफ से पहनी जाती है, ब्लैक हमारे यहाँ से पहनी जाती है, तो मैं दोनों कल्चर को मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ती, छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो अपने कल्चर में हमेशा रहना चाहिए व्यक्ति को। कुछ लाई हूँ बत्तियाँ, बत्तियाँ मैं आपको दिखा दूँ, कुछ विशेष हैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही थी। देखिए अब ये अच्छी चीज़ें निकली, ये येलो लाई हूँ क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु और गणेश जी का पूजन है, तो इसमें पूजा में आप कोशिश करके बत्तियाँ यूज़ करें, ये वाली एक एक बत्ती ज़रूर यूज़ करें। तो ये पीली बत्ती लाई हूँ, ये बड़े वाले बत्ती लाई हूँ, ये बहुत बड़े हैं, इसको ना जो पूजा वाले शॉप पे पता वो घंटोला बोल रहे थे, मुझे नहीं पता ऐसे घंटोला क्यों बोल रहे थे, इनफैक्ट ये बत्ती है तो बत्ती बोले ना, तो घंटोला बोल रहे थे। तो ये मैं 3 पैकेट लेकर आई हूँ, तो ये कुछ बत्तियों के पैकेट हैं, और ये कुछ लंबी वाली बत्तियों के पैकेट हैं जो कि मैं 4-5 पैकेट लेकर आई हूँ। घर में बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन वो फेस्टिवल की वजह से व्यस्तता बहुत है। एक ये लंबी वाली बत्ती लेकर आई हूँ, जो मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे दीदी कहाँ मिलते हैं पूजा के शॉप पे, देखिए इस टाइप का पैकेट होता है, स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिएगा आप, मिल जाएगी। एक ये भी लेकर आई हूँ, और 3-4 पैकेट में ये बत्ती के लेकर आई हूँ, देखिए ऑरेंज वाली बत्ती लेकर आई हूँ, दुर्गा पूजा में इस्तेमाल होती हैं बत्ती। विशेष इनका उपयोग मैं आपको बता दूँ, जो आपको दुकान वाले भी नहीं बता पाएंगे, जो बेच रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे, वो आपको बता दूँ। ये बृहस्पति पूजा में इस्तेमाल होती हैं, दुर्गा पूजा में इस्तेमाल होती हैं, ये गणपति पूजा में भी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि उनका लाल रंग प्रिय है इस वजह से। लक्ष्मी जी के लिए एक सिंगार की सामग्री का पैकेट लाई हूँ, पूजन सामग्री ऑलरेडी बहुत सारी रखी थी तो मैं ज़्यादा नहीं लाई, ये जनेऊ का पूरा बिंडल लेके आई हूँ क्योंकि पूजा में लगता रहता है। पंचमेवे का एक पैकेट लाई हूँ, उस दिन जब हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसके लिए मैं 1/2 kg का हवन सामग्री का पैकेट लाई हूँ क्योंकि यूज़ हो गई होगा। ये सर्व औषधि का एक छोटा पैकेट मैं लेकर आई हूँ, ये देखें इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये है एक पैकेट लेके आए, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, तो सब जगह मिलता है, बस कहीं कुछ नाम से कहीं कुछ और नाम है। ये खड़ी हल्दी है, इसी में सब कुछ दिखा देती हूँ आपको, जो भी दिखा पाऊँगी सब कुछ इसी में दिखा दूँगी। और ये जो है वो सिपाड़ी है, कुबेर पोटली मैंने घर में ही बना दी थी तो उसकी ज़रूरत थी नहीं। ये वाइट तिल है, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इस तरीके की हैं, इसमें पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, इसमें ना मुलेठी है, मुलेठी लाई थी मैं हवन के लिए, हवन में मुलेठी का प्रयोग होगा, लक्ष्मी पूजा का हवन है। ये 2 इलायची के पैकेट हैं क्योंकि बिग बाज़ार में, अच्छा आप लोग सच सच बताइएगा जिस जिसके यहाँ जो जो बिग बाज़ार गया, बिग बाज़ार में सारा सामान है, यहाँ लखनऊ में जो है ना मैं गई थी, बिग बाज़ार में कोई सामान ही नहीं, ना बहुत अच्छी ग्रॉसरी है, ना बहुत अच्छी क्लॉथ्स हैं, कुछ नहीं है, कोई एक्सेसरी नहीं है, तो एकदम पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था एकदम ना, बिग बाज़ार को देख के एकदम धक्का लग गया था, नहीं सदमा लग गया था वही हो गया मेरे साथ। और मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या लाई, और मैं लाई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा दीपक, ठीक है, इसमें भी कुछ 2 बत्तियाँ हैं, ये कुछ बत्तियाँ हैं, अगर मैं काजल बनाऊंगी तो उसके लिए लेकर आई हूँ। और मैं ना आपको चरण पादुका दिखाती हूँ, बहुत सुंदर 2 मिट्टी के दीपक यहाँ रखे बिटिया उठाओ, और आपको लक्ष्मी चरण पादुका दिखाती हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए लेके आई। एक मैं ये दीपक लेकर आई, मेरे डेली यूज़ का दीपक, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को दीपक दिखाती हूँ, अपने सास ससुर को दीपक दिखाती हूँ, तो वो दीपक ना ख़राब हो गए थे तो मैं उनको हटाऊंगी, उनके बदले ना मैं 4 दीपक लाई, तो 3 लाई हूँ मैं छोटे छोटे, तो धनतेरस में मैं इन सब की पूजा करूंगी, तो ये छोटे छोटे दीपक 3 लेकर आई हूँ। एक दीपक में ये बड़ा लेकर आई हूँ, बड़ा दीपक इसलिए लाई इसलिए कभी कभी होता है ना एक दिन की पूजा के लिए चाहिए होता है, वहाँ रखे होंगे बेटा दीपक ले आने वाले। और कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप ना सब पीतल पीतल का जलाती हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जो है वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका काम नहीं चलता,
तो सोच समझ के बातों को किया करें, आपको पता चले कोई बात आप ऐसी कह दें फिर मैं उसका कोई जवाब दूं आपको, पूछा क्या इसमें, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, अजीब सा लगता है। तो अगर मेरी बात करें तो जितना मैं मिट्टी का यूज़ करती हूँ उससे जितना पीतल का यूज़ करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मिट्टी के दिए यूज़ होते हैं। पादुका, लक्ष्मी पादुका, ये देखें, ये मैं 5 दिए लेकर आई हूँ, 4 हैं ये, और भी मैं आपको दिए दिखाती हूँ अभी। ये 4 दिए मैं ये वाले लेकर आई हूँ, और 2 दिए मैं, जरा मिट्टी के दिए का डिब्बा ले आना, मिट्टी के दिए का डिब्बा, और मैं आपको लगे हाथ एक चीज़ दिखाऊँ। ये देखें, 2 दीपक मैं ये डेकोरेशन के लिए लाई हूँ, तो दीवार दरवाजे के अगल बगल डेकोरेशन करके मैं रख दूँगी, और ये लगेंगे बहुत सुंदर ऐसे डेकोरेशन में, ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो जिसने मुझसे ये कहा था कि आप, आपके वजह से जो मिट्टी के जो गरीब लोग हैं मिट्टी का सामान बनाते हैं उनका काम नहीं चलता, तो मैं आपको दिखाऊं, और ये कोई पहली बार का नहीं, ये कलेक्शन ये आपको पूरी साल मेरे घर में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं सुबह में मिट्टी सारे पीतल के बर्तन का पूजन करके उनको धुल के रख देती हूँ, शाम को मिट्टी के दीपक में ही दिया जलाती हूँ। ये बहुत 5 केजी का डिब्बा है जो कि विशाल विशाल में मिलता है वो वाला है, और देखें फुल भरा हुआ है, और ये कम से कम, अभी मैं 400 दिए उस दिन लाई थी, 200 के पहले रखे हुए हैं, ये इतने दिए हैं। इसके बाद मैं आपको दिए दिखाती हूँ, कुछ मेरी दिवाली की तैयारी एडवांस में हो जाती है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इन्हें हटा दें ज़रा, तो इन्हें मैं दरवाजे के अगल बगल फूलों की रंगोली बना के सजाऊंगी और उसमें रखूंगी, ठीक है। ये कुछ अलग दिए हैं मिट्टी के, जो मैं उरली में इस्तेमाल करती हूँ, जो बड़ी वाली, जिस उरली में मैंने अभी लक्ष्मी विष्णु जी की स्थापना की है ना, ये उनके लिए हैं। और ये आप लोग कहेंगे दीदी कितने लिए तैयारी कर लेती हूँ, हाँ तो क्योंकि मुझे काम बहुत रहते हैं इसलिए मैं तैयारी पहले कर लेती हूँ। उठाना ज़रा इसे, ये थोड़े से बड़े साइज़ के दिए हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़े से बड़े साइज़ के दिए हैं जो कि उरली के लिए हैं, इन्हें मैं उरली में डालूंगी। और ये वाले जो दिए देख रहे हैं ये बड़ी वाली उरली के लिए, ये थोड़े से गहरे हैं, ये देखें कटोरी टाइप का, क्योंकि अगर ये हल्के होंगे ना तो डूब जाएंगे, पानी इनमें भर जाएगा। और मैं आपको एक और ट्रे दिखाती हूँ, तो ये तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, तो जितने दिए आपने देखे हैं उससे ज़्यादा दिए मैंने बना के रखे हूँ, बस मैं इसको दीपावली में तेल भरूंगी और जला दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि कुम्हार जो है वो मेरे वजह से ही जो है वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोच समझ के बात किया करना, थोड़ा सा अजीब सी चोट लग जाती है व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शो करूँ, बहुत से काम ऐसे जो मैं शो नहीं करती और लोगों को लगता है वो, तो ये बस ये है कि आप लोग दिमाग का प्रयोग नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं, तो भाई बोल दीजिए, क्या ही कह सकते हैं, अगर किसी को कुछ बोलना ही है तो क्या ही कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, ठीक है, लोग बोल रहे हैं तो क्या? एक लोगों का कमेंट आया था, वो कहे थे कि वो पीतल पीतल का जलाती रहती हो, शर्म नहीं आती है, तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से जो और गरीब हैं दिए बनाने वाले उनका क्या होगा, तो उनके लिए है ये। तो ये दो तो मैं इन्हें ना बहुत अच्छे से रंगोली बनाऊंगी फूलों की, वहाँ पे जलाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए अब मैं आपको क्या दिखाने वाली थी, मैं दिखाने वाली थी आपको लक्ष्मी पादुका, ये मैं लेके आई, तो बहुत क्यूट लग रही थी ये, ये देखें बहुत 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 सुंदर थी ये, तो मैं ये लेकर आई हूँ। अब इनका मैं क्या करूँगी, इनको मैं घर के राइट साइड लगा दूँगी। एक तरीका है, मैं किसी वीडियो में आपको शेयर कर दूँगी, या पहले शेयर कर, दीपावली पूजन विधि में मैं ये तरीका शेयर करूँगी कि इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इन्हें बना के इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी लंबी हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप इतने हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, इनकी पूजा करूँगी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाद में ना आप चाहें तो इनको कलर करके, एक्रेलिक पेंट करके इन्हें एज ए डेकोरेशन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पूजा रूम में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप घर में, एज ए डेकोरेशन आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये ना मुझे पड़ा है 30 रुपये का, ये मैंने बाद में कहाँ से लिया, गड़बड़ झाला के सामने कपड़े की शॉप है, वहाँ पर एक बंदे बैठते हैं वो बेचते हैं, हाँ फुटपाथ पर बैठ के बेच रहे थे, तो ये मैंने उनसे लिया, और ये शायद मुझे 40 के दिए। और जब मैं मिट्टी का सामान लेने आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बार्गेनिंग ना करूँ, क्योंकि वो 10-20-50 रुपये का ज़्यादा ले भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं उन्हीं का घर चल जाएगा। तो ये तो अच्छी सोच है ना कि आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति दीपावली मना सके। तो ये था सारा सामान जो मैंने आपको दीपावली पर शॉपिंग की, कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं जो आई नहीं हैं, अगर ये मुझे सही टाइम पर रिसीव हो जाएंगी मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं सही टाइम पे रिसीव होंगी, सही टाइम के बाद रिसीव होंगी तो मैं आपको तब दिखा दूंगी, तो डोंट माइंड, मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए ये 3 चीज़ें भी, 4 चीज़ें आनी है, मैं जूम करके आपको यहीं दिखाती हूँ, ये देखिए, 1 सेकेंड,
तो ये आने हैं जो कि भैया ने बदमाशी कर दी। ये दो कुशन कवर अभी आने हैं, शर्ट आना है। ये मैंने पिछली बार जो मरून बेड लाइनर मंगाया था ना, ये सेम उसी का जो है बेस कलर है, ये मैंने मंगाया है। और ये दो मंगाए हैं मैंने दीपक, ये दीपक बहुत 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 क्यूट है। तो ये दीपक जब आ जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यही शॉपिंग की मैंने दीपावली पर, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही है, बकाया कि कुछ लोकल मार्केट से पूजा वूजा का सामान है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें धनतेरस का ऐड नहीं है, तो अगर वो अलग से करूँगी तो कर दूँगी, नहीं तो दवाएं वगैरह खरीदती हूँ धनतेरस पर, तो ऐसा तो कुछ विशेष आता नहीं है, मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।